कल दिल्ली जा रहे गाइस लैम्बोर्गिनी लेने के लिए। अभी तक किसी को नहीं पता, बट जिसकी खब्बी सीट है उसको ही बताया ना। 22 तारीख में जो राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन है, जो इवेंट है, स्पेस स्पेशल VVVIP इन्विटेशन आएगा, इसीलिए बोलते हैं पौवा कम मारा करो। बट एक फॉर्च्यूनर लेनी तो बनती है, और फिर सुपर कार भी जल्दी दुबई से आ रही है गाइस। So hey guys, good morning, welcome back to the new episode. स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में, एंड आज का ये व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि कल हम लोगों ने ना अपनी पूरी म्यूजिक वीडियो की शूट कंप्लीट कर ली थी। लेट मी जस्ट टेल यू गाइस, इतना थक चुके थे ना हम लोग ना दिन के 2 बजे उठे हैं क्योंकि सुबह 6 बजे तक हम लोगों की पूरी प्रोसेसिंग चल रही थी। उसके बाद अभी भी आधी टीम एडिट के लिए जा चुकी है, दुष्यंत अभी भी एडिटिंग में लगा हुआ है। बट गाइस क्या म्यूजिक वीडियो शूट करिए ना, क्या करना है म्यूजिक वीडियो आते एक लाख लाइक्स या 1 लाख कमेंट ब्रो से ना ओवर पावर्ड रहेगी। लाइक्स जल्दी होंगे भाई। इंस्टा पे मैंने एक नॉर्मल सी रील डाली, उस पर ना 10 मिलियन व्यूज गए, 10 मिलियन व्यूज। भयंकर क्या खतरनाक रिस्पॉन्स आ रहा है गाइस, आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस मच ऑफ लव। मैं आपको बता देता हूँ, मेरा ये बिग बॉस के बाद ना कंटेंट को लेकर के पॉइंट इतना स्विच हो चुका है ना, एंड जिस लेवल का कंटेंट अभी आप लोगों के लिए आ रहा है ना, यू विल बी अमेज्ड कि हाँ बाबू भैया ने वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया। ये जो म्यूजिक वीडियो आ रही है ना 14 तारीख को, बहुत खुश होने वाले लोग। फिलहाल मैं आपको आज का सीन बता देता हूँ गाइस, आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं घर। एंड आपको एक चीज़ और पता है कि जब मैं बिग बॉस में जा रहा था ना, तो मैंने अपनी एक नई गाड़ी बुक कराई थी, फॉर्च्यूनर लेजेंडर GR, हम लोगों ने वो बुक कराई थी बिग बॉस में जाने से पहले। उसका वेटिंग पीरियड ही 3-4 महीने था क्योंकि GR इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। अभी हर्ष ने शोरूम पे बात करी है। मालिक क्या कह रहे हो मालिक, कल अपडेट आ जाएगी। ओ भाई क्या कह रहे हो, फॉर्च्यूनर आ रही है? वो तो नहीं करेगा ना, मतलब कि अंडर टेबल या दिखा। अब जो भी गाड़ी खरीदेंगे उसको थोड़ा सा लोकी बना करके रखेंगे, एंड मेरी कोशिश यही कि मैं फॉर्चुनर जल्दी से जल्दी ले लूं, बिकॉज जो अयोध्या राइड होने वाली है वो सारी इन्हीं गाड़ियों पे होने वाली है। एक पॉइंट पे सोच रहा था हाईलैक्स निकाल देता हूं, बट हाईलैक्स का ना बहुत यूज है इधर उधर ट्रैवल करने का। यार उसकी वो पीछे जो वो रहती है ना कैनोपी, उस पे कितना मजा आता है ना। अंदर थे ना तो हम लोग इतने मस्त मजे करे ना, पीछे बैठे हम सारे के सारे बैठे थे, इतनी ठंड हो रही और कंबल ओढ़ के बैठे हैं पीछे हाईलैक्स में, कैनोपी में। गाइस हाईलैक्स नहीं निकालेंगे बिकॉज बहुत यूज है उसका, बट एक फॉर्च्यूनर लेनी तो बनती है, और फिर सुपर कार भी जल्दी दुबई से आ रही है गाइस। बहुत अच्छा लग रहा है, लाइफ में इतनी सारी चीजें मिलती है। गेस करो कौन सी आ रही है। कमेंट्स नहीं, लोगों को पता है ऑलरेडी, बट जो लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है ना उससे ज्यादा ही करके देते हैं गाइस। इस बार एक और बॉम्ब फूटने वाला है, बहुत सारे बॉम्ब्स आ रहे हैं, बहुत सारे। पहला बॉम्ब 14 तारीख को, एक और गाड़ी आ रही है गाइस। डिसोन हो गया। जितना पैसा मैं ऑलरेडी इस पे खर्च कर चुका हूँ ना, अब उतना अगर मैं शादी में कर देता ना तो इन सब चीजों पे भरोसा मत करें, सब झूठ है। तो दहेज नहीं दूंगा तुम्हारी शादी में बहन। मैं दहेज लेके भी नहीं जाऊंगी। नहीं यार, एक ही बहन है मेरी, अंधाधुन पैसा खर्च करेंगे उसकी शादी में, क्योंकि वो ही मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन होगा ना गाइस, जब जिस दिन चली जाएगी, बस जल्दी से मिल जाए कोई। वही तो दिक्कत है, हम दहेज देने के लिए भी तैयार हैं तुम्हारे लिए। निकलते हैं यहाँ से गाइस, चलते हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए, लेट्स गो। ओके गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपने होटल से, और क्या ठंडा हो रहा है गाइस चंडीगढ़ में, भाई साहब हालत खराब हो रखी है। बॉम्बे में जब अभी तक मैं था ना तो इतना ठंडा नहीं होता था, और हवा चल रही है ना उससे तो और भी ज्यादा ठंड लग रही है। बर्फ पड़ने वाली है चंडीगढ़, लगता है बर्फ पड़ने वाली है गाइस। इस बार शिमला में नहीं चंडीगढ़ में होगा। सच्ची में गाइस कैसे रह रहे चंडीगढ़ के लोग, यहाँ तो सूरज आ भी नहीं रहते दिन से। ओके गाइस हम लोग निकल चुके हैं फाइनली अपने होटल से, चेक दिस आउट, बाहर आपको लग रहा होगा कि ऑलमोस्ट रात हो चुकी है, बट अभी दिन का टाइम चल रहा है, एंड अभी यहाँ पे सूरज निकल के नहीं आ रहा है, वैसी जैसे भव्य क्या फ्यूचर अंधकार में ना, दिन भी अंधकार में ही हो रहे हैं पता नहीं क्यों। मारोगी तो नहीं ना ये, इसके बाद माइक ड्रॉप के बाद मारोगी तो नहीं ना भव्या? अच्छा इसकी प्रोसेसिंग स्लो है गाइस, इसको लेट में समझ में आता है गाइस, इसको लेट में समझ। मेरी बहन थोड़ी सी छोटी बच्ची है अभी, छोटी तो नहीं है, इसका दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत बहुत दूर तक। मेरे को कहां भाई बताइए, इसने मेरे को संभाल रखा है हर्ष, वो तो जिन्हें पता है उन्हें पता है, वो तो जिन्हें पता है उन्हें पता है, मैंने संभाल रखा है इसे, मुझे पता है, हम दोनों ने एक दूसरे को संभाल रखा है, बोलो। ये क्या था? एंड मैं आपको एक चीज और बताता हूँ गाइज, आज ना दो चीजों की, सबसे पहली गुड न्यूज मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइज, हमें जो 22 तारीख में जो राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन है, जो इवेंट है, उस पे स्पेशल VVVIP इन्विटेशन आया गाइज। बहुत कम लोगों को इंडिया में VVVIP इन्विटेशन गया गाइज, जिनमें अमिताभ बच्चन और कौन कौन है हर्ष,
यार रहमान सेलिब्रिटीज इन सब लोगों को गया था और मैं तो बहुत शौक था कि यू नो आप भी तो सेलिब्रिटी हो आपको भी तो आया है फिर यार हम लोग बहुत ग्राउंड वाले लौंडे हैं ना बहुत बेस से उठे हैं उसमें आ तो गए हो ना तेरे लिए बहुत बड़ी बात है मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गाइस मतलब राम जी बुला रहे हैं भाई मेरे लिए क्या पूरे भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि राम जी बुला रहे हैं तो आज वो इनविटेशन घर पहुंचने वाला है मैं पापा को हर सेकंड कॉल कर रहा हूं मैंने कहा पापा पहुंचा हम ट्रैक कर रहे हैं गाइस एंड मेरे साथ चार पांच लोग और जाएंगे टीम में से बट मैं ये सोच रहा हूं बाइक पे जाएं कि कार में जाएं बाइक तो नहीं तो जा पाएगी ना बहुत ज्यादा कार में जाएंगे ठंड भी है बिल्कुल सतीश जी सही बोल रहे हैं कि ठंड भी है यार बाइक नहीं चल पाएगी और फिर ट्रैवल करना भी सेफ नहीं रहेगा बाइक पर सो हम लोग ये सोच रहे हैं कि दो ऐसा करते हैं कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन पे ना हम लोग दो कार ले लेते हैं एक है हाइलक्स और फॉर्च्यूनर अगर कल मेरे को मिल गई तो मैं कल ही कल उठा लूंगा हम लोग अपनी नई फॉर्च्यूनर की पूजा भी राम मंदिर में करवा लेंगे गाइस इससे बड़ी बात क्या हो सकती है एंड दूसरी गुड न्यूज दूसरी सबसे अमेजिंग गुड न्यूज ये गाइस कि हमारे कपड़े जो हमारे बिग बॉस में जो कपड़े थे ना वो मेरे कपड़े घर पहुंच चुके हैं कितने लाख रुपए के कपड़े खरीदे थे साढ़े सोलह लाख रुपए के पूरे कपड़े खरीदे थे एंड वो ना घर पहुंच चुके हैं मेरे घर वालों के पास स्पेस नहीं है पता नहीं कहाँ स्टोर करके रख रखा होगा और कपड़े अंदर भाई सच्ची में गाइस मुझे एक रैक और बनाना पड़ेगा एक पूरा कमरा लेना पड़ेगा इतने कपड़े हो चुके ना बट यार एक दिन में तीन तीन बार कपड़े चेंज करेगा मैं आपको बताता हूँ जब मेरे बिग बॉस में कपड़े पहुंचते थे ना जिस दिन मैं उसी दिन बोल देता मेरे को और कपड़े भिजवा दो और ये लोग परेशान हो जाते थे वहां से ये भी बोल रहा है कि ये नहीं पहनना मुझे क्योंकि मैं आपको बताऊँ बिग बॉस में जो कपड़े पहुंचते थे ना उसको पहुंचने में लाइक तीन चार दिन का बफर टाइम लगता था जैसे वो कपड़े पहुंचते थे मैं नए कपड़े मंगा देता था बट घर जा करके कपड़े और राम मंदिर का जो इनवाइट है ना उन दोनों को देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ओके बॉयज हम लोग निकल चुके थे चंडीगढ़ से मैं आपको बताता हूँ यार एक दो दिन से ना प्रणव भैया से बात नहीं हो पाई क्योंकि मैं म्यूजिक वीडियो में बिजी था आज जाकर के प्रणव भैया से मेरी बात हुई और फिर मुझे पता लगा कि यू नो प्रणव भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है प्रणव भैया हॉस्पिटल में एडमिट थे यार मेरे को उन्होंने बताया नहीं क्योंकि मैं म्यूजिक वीडियो के शूट में था सो अभी उनसे बात हुई है उन्हें ड्रिप ड्रिप लगी है गाइस अपने किसी भी फैमिली मेंबर की तबीयत खराब हो जाती है ना तो फिर बहुत अजीब से लगता है हम लोग इतने हंसी खुशी वाले मूड में आ रहे थे फिर अभी पता लगा कि प्रणव भैया को हॉस्पिटल से वापस घर लेकर के आए फिलहाल उनकी जो ड्रिप ड्रिप थी उतर गई है तो अभी उनसे मिलने जा रहे हैं उनके घर और होप सब कुछ सही हो यार तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं प्रणव भैया के घर गेट बंद कर दिया क्या इन लोगों ने नाइट हो गया कह रहे चलो वापस हेलो ओके यार तो पहुंच चुके हैं प्रणव भैया के घर पे बेचारे की तबीयत भी खराब हो रखी है और हम परेशान करने आए हैं पहले चेक करना तो भैया आप ठीक हो जाओगे भैया भैया हम आ गए भैया कितना तुम ये कर रहे हो ना एक फूंक मार के उड़ा देंगे तुम्हें भैया कई भैया भी आ रहे हो निकाला सबको ब्लॉग देखने के बाद इंस्टाग्राम पर सबको अनफॉलो व्हाट इज हैप क्या हाल है ओ भाई आपकी तबीयत खराब हो रही है क्या इसीलिए बोलते हैं पौवा कम मारा करो भैया क्या हाल है क्या हो गया भैया ये आपके तो ये चश्मों में भी फॉग लग गई ये रुड़की हाईवे में भी फॉग गाइस और प्रणव भैया के घर के अंदर भी फॉग चलो भाई क्रिकेट खेलते हैं चलो भैया क्रिकेट खेलते हैं हम आपको हमारे पास 11वां प्लेयर नहीं था हम आपको लेने आया क्या हो गया भैया के लिए गाड़ी ले रहे अब भैया की शादी के लिए गाड़ी लेने जा रहे बताओ कल देख परसों परसों ड्रॉप हो रहा है इस गाना और पहला फीडबैक मिल रहा है कल वीडियो आएगी कल मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है हॉस्पिटल जाके ट्रिप चढ़वाई तब जाके ठीक हुआ भैया का गला खराब है किसने गंदी नजर लगाई है उस दिन आपको कैसा लग रहा है दो इंसानों से गले मिल कर गाइस हम तो दुख मनाने आए थे बट प्रणव भैया हमें आईफोन दिखा करके खुशियां मना रहे हैं 15 प्रो मैक्स कौन सा प्रो मैक्स अमीर किसने दिया भैया आपका गिफ्ट एक ही तो है अब भाभी जी ओके यार प्रणव भैया से मिल लिया हम लोग इनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो इन्हें हम लोग रेस्ट पीरियड पे छोड़ रहे हैं कल चलते हैं दूसरा 14 तारीख को पहला बॉम्ब आ रहा है 15 तारीख को दूसरा बॉम्ब
15 से पहले ही आ जाएगा ना। एक्साइटेड गाइस, देते हैं धीरे धीरे आपको सारी इन्फॉर्मेशन। फिलहाल प्रणव भाई को रेस्ट करने देंगे गाइस और हम लोग निकलते हैं घर। लेट्स गो। तो हम लोग जी रात के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 12:30 गाइस एंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर। एंड ये चेक करो कितनी ज्यादा धुंध हो रही है। हम लोग रास्ते से आ रहे थे ना गाइस, तो रास्ते में हमें एक फैमिली मिली। ये तो छोटे से बच्चे और बेचारे ना हाईवे पे खड़े हुए थे और ठंड में यू नो दे वर वेटिंग फॉर समवन। हम लोगों को देखा नहीं गया यार, तो मैंने गाड़ी रोक ली। फिर उनके मम्मी पापा पीछे बैठे हुए हैं एंड हमारा घर यहाँ पर आ गया, बट अभी उन्हें छोड़ने जा रहे हैं बिकॉज ये चेक करो कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। बच्चे खड़े हुए थे तो फिर अच्छा नहीं लगा। हेलो चीजी गाना भैया, उनकी जेब अभी इन्हें घर छोड़ करके आएंगे फिर अपने घर आ जाएंगे। यार इतनी रात को वैसे भी कोई ट्रांसपोर्टेशन इन्हें मिलता नहीं तो फिर लेट हो जाता। फिलहाल अभी इनको घर छोड़ करके आते हैं। यार ये चेक करो कितना ज्यादा धुंध हो रहा है यार। ओके गाइस रात के बज रहे हैं 1 एंड हम लोग उन लोगों को छोड़ करके आ चुके हैं अपने घर पे। बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा। बटे साहब माँ प्रणाम, सो सॉरी आपको इतनी रात को परेशान कर रहे हैं। और आप क्यों डाकू बन के घूम रहे हो इतनी रात को? जुलू रात के 1 बजे हम लोग घर पहुंच चुके हैं गाइस। ऑन बिहाफ डाकू बन के जा घूम रहे, किसको लूटने जा रहे हो मम्मी आप? तेरे को गई थी पिताजी को तो लूट लिया आपने। मतलब दिल लूटा है ना आपने, पापा का दिल लूटा ना मम्मी। सबको लूटा तुमने, लूटा सिर्फ हमें, हमने सबको लूट लिया गाइस। एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज के इस ब्लॉग में 2 गुड न्यूज है। पहली गुड न्यूज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट ये चेक करो गाइस क्या बड़ी बड़ी वाली ये, आपकी पेटी इसमें बॉम्ब है। ये चेक करो गाइस मेरे बिग बॉस के कपड़े फाइनली घर पहुंच चुके हैं। 3, 6, 9 और 12 ये ना सारे वहाँ के जितने, और एक अटैची ये रही बिग बॉस की गाइस, और एक अटैची वो ये सारे कपड़े ना वो जितने कंटेस्टेंट है ना आपके अलावा सबके मिला के इतने कपड़े गाइस। बिग बॉस में मैंने 80 दिन का सफर बिताया, उन 80 दिन के सफर में मैंने 2-2 जोड़ी भी चेंज करेंगे ना, 3 चलो 2 भी एवरेज में पकड़ते हैं, तो 160 जोड़ी अगर मैं दिन-दिन के भी बदलू ना तो भी ये कपड़े खत्म नहीं होने वाले। कपड़े नहीं है 16.5 लाख है। ये 16.5 लाख 16.5 लाख रुपए के कपड़े हैं। 16.5 लाख कोई पूछता था कपड़े ऐसे क्यों चेंज कर ले, अरे मैं ऐसे ही बदलता हूँ। लेकिन मेरे को ना बस 2 चीजों का बहुत शौक है, 1 कपड़े और 1 गाड़ियों का। गाइस सच्ची में इतना खुश हूँ ना, मेरे पास कपड़े नहीं थे, मेरे पास फाइनली कपड़े आ गए। अब कम से कम 1 साल तक तो शॉपिंग नहीं करूंगा क्योंकि इतनी शॉपिंग करी है ना। प्रणव भैया की शादी की कपड़े भी है मेरे पास, पूरे एकदम सारे कपड़े है हमारे पास गाइस। फिलहाल के लिए मम्मी को भी परेशान कर दिया, मम्मा आप सो जाओ रात को, सुबह मिलते हैं आपसे। और पापा भी हैं गाइस। व्हाट इज अप, हेलो जुलू, क्या हाल है मेरी बेटी जुलू? किसकी किसकी पहुंच गए? पहुंच गया बाबा, बढ़िया। पापा कपड़े देखे कितने आ रखे, बहुत अच्छा है। देखे आपने खोल के? देखे हम तो यही चाहते हैं कि हर्षर भव्य आ जाए। ये रे पापा हर्षर भव्य, अंकल जी यही चाह रहे हैं अलमारी में हम कपड़े लगाए। क्या बोल रहे पापा, हर्षर भव्य क्यों चाहिए आपको? हर्ष के लेने बोल रहा मैं। हर्ष मैं भव्य के लिए बोल रहा कि परसों मैंने उस कैर वाले ने स्नूक को कहाँ छोड़ा था, सीधा चंडीगढ़। चंडीगढ़ पापा। जय वो सरदार जी की सत श्री अकाल। फुल ऑन एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको। डिस कर दिया भव्या तुम्हें। डिस तो हम हुए कि बोला उसने कि मैं घर जा रही हूँ और मिली हमको चंडीगढ़। मोए 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 बच्चे की तरह, और वो बच्चा इतना बिगड़ चुका है ना इतने प्यार के कारण। भव्य वो तो तुम्हें ही पता है, ये शब्द मेरे हैं, बोल आप क्यों रहे? ये शब्द मेरे बहन, बोल आप क्यों रहे? बिग बॉस से पूछो किसके शब्द हैं। बिग बॉस कौन सही है यहाँ पर? पता लगा यहाँ से एलिमिनेट हो गया। अरे यहाँ से जाओ और यहाँ से एलिमिनेट हो जाओ और उस कमरे में सो जाओ। और ये चेक करो गाइस, ये किसकी सुंदर सी बेटी है, ये किसकी सुंदर सी बेटी है जो अभी तक सोई नहीं? जुलू आप इतनी रात को छोई क्यों नहीं? आप छोई क्यों नहीं? क्यों नहीं छोई मेरी बेटी?
आपको तो अभी तक छुटाना चाहिए था। ये चेक करो हमारा सुंदर सा बेटा, हमारा सुंदर सा बेटा, हमारा सुंदर सा बेटा कहाँ घूम रहा था? ये हमारा सुंदर सा बेटा कहाँ घूमता है? हमारा सुंदर सा बेटा, हमारे दो सुंदर से बच्चे कहाँ घूमते रात को? जाओ चलो चलो घूम के आते हैं चलो। ओके यार, तो ये वाला व्लॉग मैं ना बहुत रात को रिकॉर्ड करूँ और बहुत रैंडम रिकॉर्ड करूँ, बिकॉज ब्रो से ना एक चीज़ की अनाउंसमेंट करनी थी। मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों को पता है ये चीज़ मैंने अभी किसी को भी सरप्राइज नहीं दिया है, इधर आओ। एंड ये चीज़ मैं इस वाले व्लॉग में अनाउंस कर रहा हूँ। आपको पता है ना लैम्बोर्गिनी का कितने टाइम से हम लोग फाइनल कर रहे थे? मेरी बहन लैम्बोर्गिनी कमिंग सून। कल दिल्ली जा रहे हैं गाइस लैम्बोर्गिनी लेने के लिए। खुशी को दिन, खुशी को दिन, उसमें दो ही सीट है। चलो ठीक है, एक मिनट, अभी तक किसी को नहीं बताया, बट ब्लॉक के एंड में बता रहा हूँ। जिसकी खब्बी सीट है उसको ही बताया ना आपने? घर में नहीं बताया, व्लॉग के माध्यम से ही बताऊंगा, क्योंकि अगर ऐसे बताऊंगा ना तो हम दोनों, आप तो निकलोगे निकलोगे, मैं भी निकलूंगा। कंग्रेचुलेशंस ब्रोस है ना लैम्बोर्गिनी।